नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज 27 में। दरभंगा में सभी पशुओं की दांत, जंगली सुअर की नाखून, बाघ का नाखून, हिरन का चमड़ा बेचते हुए तीन महिलाओं को जय गुरुदेव लाइन होटल सिमरी में गिरफ्तार किया गया है। जब हमारे संवाददाता राजू सिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया तो पता चला कि तीनों महिलाएं बांग्लादेश की रहने वाली है। इसमें मांस लगा रहता है। तुम लोग कहाँ से? उसी तरह से काम। महिलाओं ने कहा कि मेरे साथ सात लोग खून, वन जीप की दांत, नाखून, चमड़े, भालू की दांत आदि बेचने का काम करते हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है एवं महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ लेना नहीं, खड़ा रहिए। आज दोपहर के 1:20 पर ये राजस्थान से कुछ लोग महिलाएं हैं, ये करवा करके बहुत सारे सामान जो जानवरों के प्रतिबंधित जानवरों के सामान बेचते हैं, ये इसे शेर का दांत बोल के, ये इसे शेर का नाखून बोल करके ये सारा कुछ बेचते रहते हैं और हमारे लोग जो सामान्य आम जनता है उसे ठगते भी है। अभी ये जब वन विभाग से आए हैं, हमारे दरभंगा से और सिमरी थाना से आए हैं, तो ये लोग जो है बोल रही है कि ये जंगली सुअर का दांत है जो कि सभी प्रतिबंधित है पूर्ण रूप में। ये इसको कस्तूरी बना के ये लोग बेचते हैं और जब अभी हमारे पुलिस अधिकारी आए हैं तो उसके बाद अब ये बोल रहे हैं बकरी का है और इन सब है, इसे जब्त करेंगे। हमारे वन विभाग से जो कर्मचारी आए हैं, ये लोग खुलेआम इस तरह से करते हैं, इसके लिए मैं सिमरी थाना को और दरभंगा वन विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने त्वरित कार्रवाई करके इन पे इनकी जब्ती करी है।